हाय फूडीज, वेलकम टू कुक विद दीपिका। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है गाजर के हलवे की। ये मैं बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बनाने वाली हूँ, एकदम हलवाई स्टाइल है और ये बहुत ही लच्छेदार रबड़ी वाला फ्लेवर आता है इसमें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मैंने इसमें बहुत सारे ट्रिक्स और टिप्स दिए हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो गाजर लिया है, इसे मैंने फूड प्रोसेसर में ग्रेट किया है। थोड़ा मोटा मोटा ग्रेट करिएगा। और ये मैंने दूध बनाया हुआ है, 2 लीटर दूध को मैंने आधे से भी कम किया है। इस तरह से रबड़ी वाली कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। देख सकते हैं आप कितना लच्छेदार बना है दूध, तो इसी तरह से हमें चाहिए है। और अब हम एक पैन ले लेते हैं, इसमें मैं 2 बड़े चम्मच घी डाल रही हूँ। आप इसकी जगह पे डालडा भी यूज़ कर सकते हैं, पर देसी घी में ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके साथ ही साथ मैं इसमें 5 से 6 लौंग की जो कलियाँ होती है वो डाल रही हूँ। आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, पर इससे फ्लेवर अच्छा आता है तो इसीलिए मैं इसे डाल रही हूँ। अब हम जैसे ही गर्म हो जाएगा तेल और लौंग, तो हम इसमें गाजर डाल देते हैं। ग्रेट किया हुआ सारा गाजर एक साथ डालना है। और अब हम इसे मीडियम आंच पे चलाते रहेंगे। आप इसे मीडियम आंच पे थोड़ी देर छोड़ भी सकते हैं और बीच बीच में आप इसे चलाएं, जिससे कि नीचे लगे ना। ये देखिए 5 मिनट बाद इसका कलर थोड़ा चेंज हो चुका है और क्वांटिटी इसकी थोड़ी सी कम हो चुकी है। ये जितना भी आप बनाएंगे उसका हाफ बन जाता है पक के। और जब हमारी गाजर अच्छी तरह से पक जाए, आप थोड़ा सा हाथ से मैश करके देख सकते हैं। अगर आपकी गाजर पूरी अच्छे से पक चुकी है, तब हम इसमें जो हमने दूध बनाया रखा था वो डाल देंगे। और इस दूध को हमें क्वांटिटी के हिसाब से नहीं डालना है, आप अपने अंदाज से डाल सकते हैं। आपको जितना भी क्रीमी पसंद है आप उतना डाल सकते हैं, क्योंकि हमने गाजर ऑलरेडी पकाई हुई है तो हमें क्रीम के लिए ही दूध चाहिए है, जो रबड़ी वाला टेस्ट आता है उसके लिए। तो मैं अंदाजे से ही इसमें 2 कटोरी लगभग दूध डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जैसा भी गाजर का हलवा पसंद है उस हिसाब से। अब हम इसे भी अच्छी तरह से चला लेते हैं। इसे आपको मीडियम आंच पर ही चलाते रहना है। आप हलवे को बिल्कुल भी ना ढकें और इसी तरह खुले में ही चलाते रहें, क्योंकि जो गाजर का लच्छापन होता है, लच्छेदार गाजर, वो रहनी चाहिए हमारे हलवे में। अगर आप इसे ढक देंगे तो ये एकदम ही मैश हो जाएगा, उबला हुआ जैसा, और आपका जो गाजर का हलवा है उसका टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। तो लच्छेदार हलवा बनाने के लिए एक ये ट्रिक है कि आपको इसे हमेशा खुले में ही पकाना है। और आप मीडियम आँच पर अगर पका रहे हैं तो आप कंटिन्यूसली इसे चलाते रहें। आप अगर धीरे आँच कर रहे हैं तो आप थोड़ी थोड़ी देर में भी इसे चला सकते हैं और अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं। गाजर का हलवा बनाना बहुत ही आसान है, इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो विंटर्स आए और गाजर का हलवा ना बने, ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो देखिए हमारा गाजर का हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आप इसका कलर देख रहे हैं, ये बहुत लाइट हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे पक के ये इस तरह से हो जाएगा। अब मैं इसमें इलायची डाल रही हूँ। इलायची पाउडर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और अगर आपको ये पसंद नहीं है इसका फ्लेवर, तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। मैंने 5 से 6 इलायची के दाने लिए थे, उसे कूट के मैंने पाउडर बनाया था और वही मैंने डाला है इसमें। अब इसमें हम थोड़ी देर तक और इसी तरह इसको चलाते रहेंगे, जब तक कि हमारा पूरा दूध जो है वो अच्छी तरह से एवेपोरेट ना हो जाए। हमें थोड़ा ड्राई ही हलवा चाहिए है। ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा उबाल अभी भी आ रहा है, इसमें पानी अभी भी है, तो हमें तब तक इसे अभी और चलाते रहना है। आप ज़्यादा अगर चलाएंगे तो इसके जो लच्छे हैं वो टूट सकते हैं, इसीलिए आप कोशिश करें कि आप कम कम ही इसे चलाएं। मीडियम पे भी आप धीरे धीरे ही इसको चलाते रहें, कंटिन्यूसली इसे ना चलाएँ। तो ये देखिए लगभग 15 मिनट बाद हमारा जो दूध है वो अच्छी तरह से इवेपोरेट हो चुका है और हमारा हलवा जो है वो ड्राई हो चुका है अच्छे से। अब हम इस स्टेज में इसमें चीनी डाल देते हैं। यहाँ मैंने लगभग 12 चम्मच चीनी ली है, 12 टेबलस्पून, या तो फिर आप 200 ग्राम भी नाप सकते हैं। और ये जो चीनी है आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि गाजर में अपना ही मिठास होती है, तो इसलिए ज़्यादा चीनी बहुत लोग प्रेफर नहीं करते, इसलिए मैंने बहुत कम चीनी यूज़ की है इसमें।
तो चीनी डालने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो वापस से ऑरेंज हो चुका है, जो वाइटिश था वो पन चला गया है। और आप इसमें देख सकते हैं कि कितना अच्छा दानेदार हलवा बना है हमारा, एकदम हलवाई स्टाइल है। और इसे आप एकदम जब भी खाएंगे तो आपके मुंह में घुल जाएगा, इतना अच्छा फ्लेवर आता है इस हलवे का। और ये बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कंटिन्यूसली इसे वॉच करना पड़ेगा और आपका हलवा तैयार हो जाएगा। तो अब मैं इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल देती हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं आप वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे किशमिश डाला है, अब मैं इसमें चिरौंजी डाल रही हूँ थोड़ी सी, और कुछ काजू के पीसेज हैं और कुछ बादाम के पीसेज हैं। आप इसमें पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मेवों का इसमें, तो आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, इसमें भर के मेवे डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद ये थोड़ा सा और पानी छोड़ता है, इसलिए हमें इसे और थोड़ी देर चलाना पड़ेगा। तो आप गैस की आंच जो है उसे आप मीडियम ही रहने दें, स्लो ना करें वरना बहुत टाइम लग जाएगा। तो मीडियम पे ही आप इसको छोड़ दें इसी तरह, और बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। तो 15 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो गाजर का हलवा है वो पूरा अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें मॉइस्चर पसंद है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें छोड़ भी सकते हैं। और ये हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार है। ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है और कितना लच्छेदार है। अब हम इसे सर्व कर देते हैं। मुझे इसे बनाने में टोटल 45 मिनट्स लगे हैं, और इसकी जो तैयारी है वो आप एक दिन पहले भी करके रख सकते हैं। गाजर को आप एक दिन पहले भी घिस कर रख सकते हैं और अगले दिन आप इसे फ्राई कर दें। अगर आपके पास दूध गाढ़ा करने का समय नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब गाजर डालें उसी समय आप उसमें दूध भी डाल दें और इकट्ठा गाजर और दूध दोनों को पकने दें। इससे आपका दूध भी गाढ़ा हो जाएगा और आपके गाजर भी पक जाएंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली रसोई में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।